नमस्कार, आप न्यूज 11 देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा एक तो बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर और दूसरी चर्चा इस बात को लेकर कि तेजस्वी यादव अमूमन सड़कों पर दिखते हैं आम लोगों की तरह खाना खाते हुए, आम लोगों की तरह घूमते और टहलते हुए। एक बार फिर से सोमवार की रात वो सड़कों पर निकले और हरे चने की खरीदारी की। हरा चना इन दिनों बाजार में खूब बिक रहा है और इसको देखते ही लोगों का मन भी लग जाता है। और इस दौरान तेजस्वी यादव भी हरा चना देखकर रुके और वहां पर हरे चने की खरीदारी की और उसके बाद उन्होंने उस दुकानदार को पैसे भी चुकाए। आपको बता दें कि मोतिहारी से अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा में दिए गए भाषण के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव। अचानक से कल रात में आरजेडी कार्यालय पहुंचे और वहां से घर के लिए जब निकले तो रास्ते में उन्होंने हरे चने की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने हरा चना खाकर भी देखा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार अपनी यात्रा को लेकर चर्चा में हैं, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी दौरान बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है। तेजस्वी यादव लगातार सत्र भी अटेंड कर रहे हैं और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की भी बात कर रहे हैं और मोर्चे पर घेर भी रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव बताया जा रहा है कि मूड फ्रेश करने के लिए जब गुजर रहे थे अचानक उनको चना दिखा और वहां रुककर उन्होंने चने की खरीदारी की। हालांकि इस बीच उनके साथ सुरक्षा बल भी थे और तमाम अन्य लोग भी थे, लेकिन ये तस्वीरें रोचक हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी रोचक हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी ठीक इसी तरीके से करते हुए नजर आते थे। वो सड़कों पर बैठे हुए दिख जाते थे, आम लोगों की तरह खाना खाते हुए नजर आ जाते थे और ठीक उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी इन दिनों सड़कों पर रहते हैं और अमूमन सड़कों पर दिख जाते हैं और इस तरीके से खरीदारी करते हैं, खाना खा लेते हैं, चाहे वो बात चाट की हो या फिर फुल्की की हो या फिर चने की बात कर लें या फिर चाय की चुस्की की बात कर लें, वो सड़कों पर अमूमन दिख जाते हैं। और इस तरीके से अभी पिछले ही दिनों उनका एक और वीडियो सामने आया था जहां वो क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए थे। तो एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का वो अपना जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभा